विपक्षी दलों के नेता 2024 लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा विरोधी मोर्चे के गठन की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज बिहार की राजधानी पटना में बैठक करेंगे। पटना में विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक शुक्रवार को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास में शुरू हुई। इसमें 15 पार्टियों के नेता मौजूद हैं। यह बैठक 5 घंटे तक चलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंची तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में एक परिवार की तरह लड़ेंगे। नीतीश कुमार पिछले साल अगस्त में भाजपा से नाता तोड़ने के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को परास्त करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे शुक्रवार सुबह पटना पहुंचे। राहुल और खड़गे एयरपोर्ट से सीधा कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। यहां राहुल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, हम सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो विचारधारा तो दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो विचारधारा। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। विपक्षी पार्टियों की इस बैठक में जेडीयू, आरजेडी, आप, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, शिवसेना और सपा जैसी 15 बड़ी पार्टियों से एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, राघव चड्ढा, दीपांकर भट्टाचार्य, महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा के अखिलेश यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव और लालू यादव जैसी कुल 22 नेता शामिल हो रहे हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पटना में फोटो सेशन चल रहा है, वे संदेश देना चाहते हैं कि वे मोदी जी को चुनौती देंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वे चाहे कुछ भी कर लें, वो कभी एकजुट नहीं रहेंगे। 300 से ज्यादा सीटें हासिल कर पीएम मोदी इस बार फिर पीएम बनेंगे। जो आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय।